वेलकम टू डॉक्टर दीप्ति होम्योस चैनल। बच्चों में पेट में दर्द बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है, छोटे बच्चे जो होते हैं, और कुछ कुछ बच्चे तो जो है बोल नहीं पाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा नवजात जो शिशु होते हैं उन वो बहुत कभी कभी रोते हैं, और हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, पेरेंट्स को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्या हो गया अचानक कि वो रोते हैं, दिन हो चाहे फिर आधी रात हो। अगर उन्हें पेट में दर्द होता है या पेट में ऐंठन होती है तो उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होते हैं, और पेरेंट्स भी जो हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो उसी बारे में, उस पेट दर्द या पेट में ऐंठन होने के ही बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कि छोटे बच्चों में जब कभी पेट में दर्द या ऐंठन हो तो आप किस तरह से उसका इलाज कर सकते हैं, और उनकी कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन होती हैं। तो बच्चों में जो पेट में ऐंठन होती है वो एक इस तरह का दर्द होता है कि बच्चे के जो पेट होता है वो काफ़ी टाइट हो जाता है, गैसेस पास नहीं होती हैं। इस तरह का दर्द जो होता है मुख्यतः कभी कभी माँ के कुछ गलत खान पान की वजह से हो जाया करता है, या फिर बच्चों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, या सर्दी लग जाती है, या किसी तरह की कोई और अन्य समस्या हो। इस तरह का दर्द जो है माँ के खान पान में सावधानी न बरतने के कारण होता है, और कभी कभी माँ के दूध के अलावा जैसे कई बच्चों को गाय का दूध दे दिया जाता है, या कभी सर्दी लग जाती है, या फिर पेट में कीड़े हो जाना, ये भी एक कारण माना जाता है कि बच्चों का जो पेट है उसमें ऐंठन हो जाती है और पेट जो है दर्द होने लगता है। अगर उन्हें पेट में ऐंठन होती है तो इस तरीके के जब तकलीफ होती है तो बच्चा लगातार रोता रहता है, किसी की भी बात वो मानता नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है, उनका जो पेट होता है वो कड़क हो जाता है, बहुत ज़्यादा कड़कपन उसमें आ जाता है, पेट फूला फूला सा रहता है, दर्द के साथ साथ बच्चा बहुत ज़्यादा रोता भी है। हमेशा जब भी उसे पेट में दर्द होता है तो वो जो अपने घुटने हैं वो पीठ में लगाकर सटाकर सोना चाहता है, या पीठ जो पैर होते हैं वो पेट में सटा देता है, बहुत ज़्यादा टाइट कर लेता है पैरों को, और हर बार वो अपनी माँ के ही साथ रहना चाहता है, माँ की गोद में रहना चाहता है, और जैसे ही उसे नीचे उतारने की कोशिश की जाती है तो वो नीचे नहीं उतारना चाहता है और फिर से वो रोने लगता है। तो इस तरीके की लक्षण जो है जब पेट बच्चे के पेट में दर्द हो रहा होता है तो इस तरीके के लक्षण उनमें देखने को मिलते हैं। तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि बच्चा लगातार रो रहा है तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण होता है, जो मेन कारण होता है, वो ये होता है कि बच्चे के पेट में ऐंठन या दर्द हो रहा होता है। तो अगर इस तरीके के लक्षण होते हैं तो कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन बच्चे को दी जा सकती है। तो सबसे पहली जो मेडिसिन आती है वो है कैमोमिला। इसे 12x पोटेंसी में आप दे सकते हैं बच्चे को। जो भी मैंने लक्षण बताया, अगर उस तरीके के लक्षण हो, बच्चा बहुत ज़्यादा बेचैन रहता हो, बहुत ज़्यादा जिद करता हो, या बहुत ज़्यादा रोता हो, तो ऐसे बच्चों को आप कैमोमिला जो है 12x पोटेंसी में दे सकते हैं, जो कि काफ़ी फायदेमंद होती है। सेकेंड जो मेडिसिन है वो है सिना। उसे आप 3x पोटेंसी में बच्चे को दे सकते हैं। जब बच्चे को स्टूल पास आउट करने की या मल त्याग करने की इच्छा होती है, लेकिन जब वो मल त्याग करने जाते हैं तो उसे या तो बहुत कम मात्रा में मल होते हैं या बिल्कुल भी नहीं होते हैं। मल त्याग करने करने जब वो बच्चा जाता है तो मल ना त्याग करते हुए कभी कभी जो है वायु ही पास हो जाती है या गैसेस ही निकल जाया करती है, तो मल नहीं होता है, या फिर कड़कपन या सूख जाता है मल, उसकी वजह से मल त्याग करने में उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर बच्चे के पेट में कीड़े हो जाते हैं या वम इन्फेस्टेशन हो जाता है, तब भी जो सीना मेडिसिन है काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो उसे 3x पोटेंसी में बच्चे को दिया जा सकता है। कैमोमिला को अगर आप 12x में ले रहे हैं तो अगर बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा, 1 साल से कम की उम्र है, तो आप उसे थोड़ा सा पाउडर बनाकर मेडिसिन के ग्लोबुल का जो मेडिसिन आती है उसकी ग्लोबुल्स की थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में आप उसे बनाकर बिना हाथ लगाए बच्चे को पानी के साथ दे सकते हैं। इसी तरह से सीना पोटेंसी को भी आप पाउडर फॉर्म में बनाकर उसे बच्चे को पानी के साथ में दे सकते हैं, अगर 1 साल से बच्चा छोटा है तो। और आप चाहें तो ग्लोबिल्स में भी दे सकते हैं। अगर 6 मंथ से ऊपर का बच्चा हो गया है तो ग्लोबिल्स में भी दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो होम्योपैथी में ग्लोबिल्स जो आती हैं आप किसी भी मेडिकल शॉप में देख लीजिएगा, आपको वो ग्लोबिल्स में बना के देंगे, मीठे होते हैं। तो बच्चा अगर 6 महीने से ऊपर का हो चुका है तो उसे ग्लोबिल्स में भी दे सकते हैं आप, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। इपीकॉक एक मेडिसिन है। जब बच्चों को मल बहुत ज़्यादा पतले निकल रहे होते हैं, जो स्टूल है बहुत ज़्यादा पतला होता है, बहुत ज़्यादा बदबूदार होता है, हरे रंग का होता है, और उनकी नाभि के आसपास बहुत ज़्यादा पेट दर्द होता है या ऐंठन होती है, साथ में उनका जी मचलाना होता है, या कभी कभी बच्चा उल्टी भी कर देता है, तो इपीकॉक जो है 3 पोटेंसी में देना काफ़ी फायदेमंद होता है। तो जब भी कभी इस तरीके के लक्षण आपको बच्चे में नज़र आते हैं तो 3 पोटेंसी में इपीकॉक जो है आप दिन में 3 बार उन्हें दे सकते हैं।
अगली जो मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। इसे भी आप 6 पोटेंसी में या 3 पोटेंसी में दे सकते हैं। जब बच्चे को बिल्कुल भी स्टूल पास आउट नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल भी वो मल त्याग नहीं कर रहा है, और उसकी वजह से जब बहुत दिनों तक अगर वो मल नहीं त्याग करता है तो उसकी वजह से जब आप बच्चे के पेट में दर्द होता है या ऐंठन होती है, तब नक्स वोमिका जो है काफ़ी हेल्पफुल होती है। बहुत सारे बच्चे जो होते हैं लगातार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, कहीं बाहर गए तो कोई भी चॉकलेट पकड़ा देता है, या घर पर भी वो जब भी कितने भी मेम्बर्स अगर खाते हैं तो उनके साथ में खाता है, तो उसकी वजह से जो पेट में दर्द होता है तब भी नक्स वोमिका काफ़ी अच्छी मेडिसिन होती है। तो उसकी 3 या 6 पोटेंसी अगर आप बच्चे को दिन में 3 बार देते हैं तो उन्हें काफ़ी राहत मिलती है। तो नक्स वोमिका की 30 पोटेंसी की 2 बूंद या फिर ग्लोबुल के साथ बच्चे को आप दिन में 3 बार देंगे तो उन्हें काफ़ी आराम मिलता है। इसके बाद में जो अगली मेडिसिन वो है कैम्फर ब्रोमाइड। जब आप सभी जानते हैं कि जब बच्चों की टीथिंग प्रोसेस हो रही होती है, जब बच्चों के दांत निकल रहे होते हैं तो वो काफ़ी बीमार रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा पेन होता है, बहुत ज़्यादा बेचैन या चिड़चिड़े हो जाते हैं बच्चे, उन्हें दस्त लग जाते हैं, उनको स्टूलिंग की जो प्रॉब्लम होती है, मल त्याग करने की जो प्रॉब्लम होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, पतले दस्त आते हैं और बहुत ज़्यादा पेट में ऐंठन बनी रहती है, तब आप कैम्फर ब्रोमाइड की 3x पोटेंसी अगर बच्चे को देते हैं दिन में 3 बार या 4 बार, अगर समस्या बहुत ज़्यादा है तो 4 बार भी दे सकते हैं, और देने से ये मेडिसिन उन्हें काफ़ी आराम मिलता है। तो जब भी बच्चे की टीथिंग प्रोसेस हो रही है और तब तकलीफ बढ़ जाती है तो कैम्फर ब्रोमाइड जो है काफ़ी मदद करती है। इसके अलावा कुछ होम टिप्स भी आप अपना सकते हैं, जैसे कि कोई भारी चीज़ें खा लेने की वजह से अगर बच्चे के पेट में दर्द होता है या ऐंठन होती है या तकलीफ बहुत ज़्यादा बनी रहती है, तो सबसे पहले तो बच्चे को गाय का दूध जो आप देते हैं उसे देना बंद कर दीजिए। इसके अलावा जो अजवाइन होती है हर घर में आपको अवेलेबल होती है, तो अजवाइन को लेना है आपको थोड़ी सी, और उसे थोड़े से कपड़े में बांध कर एक पोटली बना लेनी है, और उस पोटली को आप तवे पर रख कर या फिर ओवन हो तो ओवन पर रख कर हल्का सा गर्म कर सकते हैं, और बच्चे के नाभि के चारों तरफ आपको जो ऐंठन है या दर्द है उस जगह पर आपको बच्चे की नाभि के चारों तरफ आपको सिकाई करनी है उस अजवाइन की पोटली से, तो बच्चे के जो पेट में दर्द है या ऐंठन है, जो गैसेस हैं जो पास आउट नहीं हो पा रही है, तो ये सारी ही चीज़ें जो है सिकाई करने से वो ठीक हो जाती है। तो इस टिप्स को भी आप अपना के देख सकते हैं आपके बच्चे के लिए, और जो भी मैंने मेडिसिन बताई हैं उसे भी आप बच्चे को दे सकते हैं, पर आपके बच्चे के जो सिम्टम्स हैं वो मैच करना ज़रूरी होते हैं। और भी कोई तकलीफ हो तो आप, अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ जाती है तो बच्चे को यूं ही रोता हुआ मत छोड़िए, उन्हें किसी भी बच्चे डॉक्टर को जाके दिखवाइए और अच्छे से प्रॉपरली उन्हें मेडिसिन दीजिए, लापरवाही बिल्कुल मत करिए। तो होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बाजू में ही बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हर मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। इसी तरह मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप सभी के लिए लेकर आती रहती हूँ। उसके बाद मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, अपने ध्यान रखिए और खुश रहें। धन्यवाद।